अब हम लोग क्या करेंगे, वी नो दैट हम लोग जानते हैं कि ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो ई बताओ यहां पे हम क्या करेंगे, ई सेल और ई कैथोड की वैल्यू का निकाले, तो ई नॉट कैथोड माइनस 0.059 बटा एन इंटू लॉग 1 बटा जेड है 1 बटा सी यू प्लस 2 और माइनस ई एनोड के वैल्यू। तो ई नॉट एनोड माइनस 0.059 बटा एन इंटू लॉग 1 बटा जेड है प्लस 2। अब का चीज करेंगे हम, माइनस साइन से गुना कर दिए छोड़ो, तो यहां पे हो जाएगा ई सेल बराबर ई नॉट कैथोड और माइनस साइन से इसमें गुना करो, तो माइनस में का चीज हो जाएगा ई नॉट एनोड माइनस। अभी देखो माइनस माइनस का चीज हो गया प्लस, यानी 0.059 बट्टा एन और यहां से बच गया बोरे लॉग 1 बट्टा सी यू प्लस 2 और ये बताओ माइनस माइनस का चीज हो गया प्लस, यानी 0.059 बट्टा एन इंटू लॉग 1 बट्टा जेड एन प्लस। अब काची करेंगे हम इसको, यहां से कौन काची कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ई सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड बराबर फॉर्मूला होता है ई नॉट सेल माइनस। अब यहां से कॉमन काची लेंगे 0.059 बट्टा एन कॉमन ले लिए, तो यहां पे बचेगा लॉग 1 बट्टा सी यू प्लस 2 और ये बताओ प्लस वाला का चिन्ह हो गया माइनस में कितना हो गया, तो लॉग 1 बट्टा जेड प्लस 2। अब का चीज करेंगे, फॉर्मूला जानते हैं, लॉग ए बटा बी बराबर लॉग ए माइनस लॉग बी। तो यहां से हम का चीज करेंगे, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059 बटा एन और यहां से लिखेंगे लॉग यानी 1 बटा सी यू प्लस 2 बाई 1 बट्टा कंसंट्रेशन जेड एन प्लस 2। तो नीचे वाला कहां चला जाएगा ऊपर, यानी एक फॉर्मूला डेनियल सेल में नियरेस्ट इक्वेशन पर जो तैयार हुआ, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059 बट्टा एन लॉग जेड एन प्लस 2 बाई सी यू प्लस। ठीक है, तो आप लोग को इस वीडियो में समझ में आ ही गया होगा। हेलो दोस्तों, अब तो कंप्लीटेड हो गया होगा एनोडिक हाफ सेल रिएक्शन, अब चलेंगे हम कहा कैथोडिक हाफ सेल की ओर। तो यानी कैथोडिक हाफ सेल तो कैथोड किस पे है, सी यू प्लस 2 और यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पे किस में कन्वर्ट हो गया, सी यू सॉलिड में। तो कहने का मतलब ये खुद ही का हो रहा, रिडक्शन हो रहा। तो नियरेस्ट साइंटिस्ट साहब ने किस पे एक्सपेरिमेंट किए थे, रिडक्शन पे। तो यहां पे बोलेंगे इक्वेशन लेंगे, तो अब का करेंगे हम, तो यहां पे वी नो डैट हम लोग जानते हैं
है कि कांची गुटे बाबू ई, अब कहां पे कैथोड पे ले रहते, यहां पे ई सेल की जगह पे ई कैथोड कर दो, ई कैथोड, और यहां पे लिखेंगे ई नॉट कैथोड माइनस 0.059 बटा ए इंटू लॉग प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। तो यहां पे हम का ची करेंगे ई कैथोड, ई नॉट कैथोड माइनस 0.059 बटा ए लॉग, अब प्रोडक्ट के रूप में कौन है कॉपर, तो कॉपर कौन से स्टेट में है सॉलिड स्टेट में, बट्टा कॉपर प्लस टू, तो यहां पे लिखेंगे ई कैथोड, ई नॉट कैथोड माइनस 0.059 बट्टा ए। अब जब कॉपर जो है सॉलिड स्टेट में है तो उसका कंसंट्रेशन का मान कितना होगा वन, तो यहां पे लॉग वन बट्टा कॉपर प्लस टू आयन, ये आपका कौन सा सेल के लिए होगा कैथोड के लिए। अब देखो नौ यानी अब कहां चलेंगे, तो ई सेल बराबर हम जानते हैं काची ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी बट्टा एन एफ लॉग प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। अब जब हम ये दोनों के गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर और फ्राइडे कांस्टेंट के जैसे वैल्यू पुट करेंगे तो यहां पर लिखेंगे ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी बाई सॉरी 0.059 बट्टा एन लॉग लॉग प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट।